नमस्कार, मैं हूं शाहिन। खबरें अब तक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, लोगों ने उनके लंबी उम्र की कामना। पीड़िता को नहीं मिला न्याय तो पहुंच गई आरोपी के घर, पुलिस मौन। डाक कर्मियों का आंदोलन जारी, रैली निकाल कर केंद्र सरकार विरोधी लगाए गए नारे। सपाइयों ने किया मंथन, पार्टी को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। वित्त विहीन प्रबंधकों के आंदोलन स्थल पर पहुंचे सदर सांसद, दिया समर्थन का भरोसा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने की पीएम से बातचीत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के 46वें जन्म के अवसर को प्रदेश में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योगी सेवकों ने पौधारोपण कर वातावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प लिया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर बाबा मुक्तेश्वर नाथ में 11 लीटर दूध चढ़ाकर दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर योगी सेवकों ने योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके दीर्घायु की कामना की। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने दुग्धाभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जुटे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता और उन लोगों को भी सुरक्षा मिल रही है, इसलिए वे लोग उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, ऐसे में प्राकृतिक आपदा का कहर बरप रहा है, इसलिए आज हम लोगों ने फलदार पौधों का मंदिर के प्रांगण में रोपण किया है। आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और संयोग है कि अपने मुख्य संरक्षक परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हिंदू वाहिनी के, उनका जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन से हम सब लोगों को सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भी सुरक्षा मिल रही है और उस सुरक्षा को लगातार जनता के बीच में आगे हमें मिलता रहे, इसके लिए पूज्य महाराज जी के दीर्घायु होने की कामना के साथ हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया है। आज पर्यावरण के दिन, सुरक्षा के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दो दो पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जो सुबह से ही लगातार चल रहा है अपने गेहूँ के कार्यक्रम। उसी क्रम में आज इस मंदिर परिसर में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में योगी सेवकों द्वारा श्रद्धा के साथ लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पूजनीय हैं, हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हिंदू महासभा के सदस्यों ने गोलघर काली मंदिर पर सुंदर कांड और हवन पूजन का आयोजन किया। भक्ति भाव के साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। राधाकांत वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए हवन पूजन किया गया है। आज विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महंत और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 47वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज स्थानीय काली जी के मंदिर पर सुबह से ही हवन का कार्यक्रम चल रहा है, सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद सहभोज और गरीबों में वस्त्र वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए आज प्रधानमंत्री ने देश भर के कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। गोरखपुर में भी 30 लाभार्थी ने इस संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा प्रधानमंत्री से बातचीत की। संवाद कार्यक्रम के बाद लाभार्थियों ने जमकर पीएम की तारीफ की। ये नजारा है गोरखपुर कलेक्ट्रेट स्थित NIC भवन का, जिसमें आज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वाले 15 शहरी और 15 ग्रामीण लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीधा संवाद कर योजना का लाभ कितना उनको मिला और कितनी अच्छी है ये योजना, इस पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कुछ और योजनाओं को बताते हुए भारत को मजबूत करने की बात कही। करते हैं फिर उसके अनुसार बजट निर्धारित करते हैं,
इसी का परिणाम है कि शहरी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पहले जो सरकार थी जो गरीबों के नाम पर ही खेल खेलती रहती थी, यूपीए सरकार के 10 वर्षों में जितने घरों को निर्माण को मंजूरी मिली थी, सैंक्शन हुआ था, पिछले 4 वर्षों में हमने उसका लगभग 4 गुना अधिक सैंक्शन किया है। यूपीए सरकार के 10 वर्ष में कुल 13.5 लाख घर सैंक्शन किए गए थे। इस बारे में डीएम विजेंद्र पांड्यान ने कहा कि इनको 2.5 लाख रुपए की राशि की सहायता दी जा रही है। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में हर NAC हर जनपद का, करीब 600 जनपद है, उसी का जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उन लोगों को लाभार्थी करीब यहाँ तो गोरखपुर में हम लोग 30 लाभार्थी एकत्रित किए थे। सारे लाभार्थी से, विभिन्न लाभार्थी से इंटरेक्ट किए थे। वैसे तो आज छत्तीसगढ़ से बात किए थे, झारखंड से बात किए थे, मध्य प्रदेश से बात किए थे, तमिलनाडु से बात किए थे, यहाँ भी लखनऊ का लाभार्थी के साथ बात किए थे। बात करके तो पूरा अपने संबोधन में योजना का स्वरूप बताएं, फिर योजना का क्रियान्वयन कराने के लिए तरीका बताएं, फिर उसको अपने सपना बताएं। 2022 तक ऐसे पूरे भारत में यानी 75 वर्ष हो जाता है मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, उसी के अंदर जो यानी तो उनका सपना है, तो सबके छाया छत गारंटी के साथ मिलने के लिए वादा किए थे। और जो कोई बिचौलिया है, बीच में पैसा लेने वाले हैं, नहीं तो कोई कठिनाई होता है, तो उसको भी सीधे सीधे गवर्नमेंट मशीनरी को तो शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने उद्बोधन में बताए थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को सुन लाभार्थी भी खासे खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के हित के बारे में सोचा। आज उनकी ही देन है कि गरीबों के पास अपना घर है। अल्लाह ताला से यह दुआ करते थे कि कब हम लोग को घर बन जाए। मोदी जी हम लोग को बहुत अच्छा किए हैं, बहुत हम लोग को सुख है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों से सीधा संवाद किया है, उसने गरीबों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना ली है। हम जैसे गरीबों को सशक्त करने के लिए इस योजना का लाभ हमें इतना ज़रूरत था कि मैं आपसे क्या बताऊं कि कहते हैं कि चिराग की तलाश में इंसान निकल चलता है, रास्ते दर रास्ते भटकता है। आज हमको उस ज्योति की तरफ जाते हुए आज हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा खुद का भी एक मकान है। सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन पीड़ित न्याय की आस में दर दर भटकने पर मजबूर है। सरकार के नुमाइंदों पर इसका कोई असर नहीं है। मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता जब न्याय की आस में थाने से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट पर न्याय के लिए गुहार लगाकर थक गई और मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ तो उसने हिम्मत नहीं हारी। आरोपी के दरवाजे पर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई, लेकिन सरकार के किसी अधिकारी ने धरना स्थल पर जाने की जहमत नहीं उठाई। आज क्षेत्र में धरना चर्चा का विषय बना हुआ है। धरना के दौरान आरोपी के परिजनों द्वारा पीड़िता को मारा पीटा भी गया है, जिसकी सूचना डायल 100 पर करने के बाद मौके पर पुलिस बिना किसी कार्रवाई के ही लौट गई। हुआ यूं कि बलकुनिया गांव निवासी पीड़िता 10वीं क्लास में किसान इंटर कॉलेज की छात्रा है, 8 माह पूर्व में पढ़ रही थी। उसी दौरान गाँव का ही दबंग परिवार का लड़का, जो मनबड़ किस्म का है, छात्रा से स्कूल जाते समय अक्सर छेड़छाड़ करता, तंग करता, फफ्तियां कसता, जिससे तंग आकर छात्रा ने घर पर इसकी शिकायत की, लेकिन दबंगों के डर से परिवार के लोग शिकायत ना कर सके। उसके बाद लड़के का हौसला बढ़ता गया और एक दिन अकेले में पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने घर पर किया तो घर वाले आरोपी के घर इसकी शिकायत लेकर गए तो दबंगों ने जान से मारने की धमकी देकर कहीं भी शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद परिजन प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचे तो समाज के ठेकेदारों ने सजातिया होने का हवाला देकर दुष्कर्म के मुकदमे से आरोपी को बचाने की साजिश रची और इसमें थानेदार ने अपनी सहमति देकर थाने परिसर में बने मंदिर में शादी करा दी। स्मृति पूरा लुप्त फल प्राप्ति का मह, अपन गोत्र के नाम रख लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। कैसा गोत्र हो गया? बोलिए सब। हेलो, काल भैया, चलिए आओ सहजा। लड़की जो है कि अपने घर थी, ठीक, उसे संबंध बना लिया, ठीक,
और बनाने के बाद लेकर एक हफ्ता बस्ती था, उसके बाद दूर जवाब बने तो थाने पर हम लोग गए अप्लीकेशन लेकर, तो बड़े साहब कहे कि ऐसा बात है कि तिवारी जो बगल में थे कि जोड़ा एक काम बना दीजिए आप। तो तिवारी जी पूछे कौन ब्याह करें, दोनों जात हैं है ना, तो तिवारी जी कहें कि चलिए शादी होगा इन सबको। तो पूरा जाकर शंकर जी के मंदिर में, वहाँ पर मंदिर है, वहीं पर शादी हुआ। मान्यता की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधकों के चल रहे आंदोलन में आज सदर सांसद प्रवीण निषाद पहुंचे और आंदोलनरत प्रबंधकों से बातचीत की। बीते 25 दिनों से शिक्षा विभाग के खिलाफ वित्त विहीन प्रबंधकों का आंदोलन जारी है। आज भी प्रबंधकों ने शिक्षा विभाग के कार्यवाही की निंदा करते हुए उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और नारेबाजी भी की। आज सांसद प्रवीण निषाद धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत प्रबंधकों से बातचीत की और उनका समर्थन किया। सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि आपकी मांगों को अगर प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो संसद में उठाया जाएगा और जरूरत पड़ा तो हम भी आपके आंदोलन में सहभागिता करेंगे। तो यहाँ पे क्यों आएगा, और मैं आया हूँ तो जो इनकी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षा विद्यालय संघ जो है आज 26वां दिन भी धरना कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार, क्योंकि इससे पूर्व जो सरकार थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी विद्यालय को प्रमाण पत्र जारी करने का, जो मान्यता प्राप्त देने का इनका, तो वो सुचारू रूप से सही तरीके से चल रहा था। मगर आज की जो वर्तमान सरकार है हर जगह शोषण करने का काम कर रही है। आज के दिन भी जो हमारे विद्यालय जो संचालन कर रहे हैं सुचारू रूप से, जो शिक्षा का मंदिर है, अब उसमें भी ये लोग डाका डालना चाहते हैं। जैसे लगता है कि हम लोग भी अपराधी हैं, शिक्षक संघ भी अपराधी है, प्राथमिक विद्यालय भी अपराधी है। पुलिस का उत्पीड़न किया जा रहा है बेसिक शिक्षा के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको मान्यता नहीं दिया जाना, और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी निरस्त करके फिर से मान्यता दिलाने का ये जो ढोंग रचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बंद होना चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है ये बंद होना चाहिए। धरने पर बैठे प्रबंधक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों की लड़ाई में वह कदम से कदम मिला करके साथ देंगे और हम लोगों की मांगे जायज हैं। वास्तव में हम लोगों का विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। जुलाई में हम लोगों के विद्यालय सुचारू ढंग से चलेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी, इस बात का उन्होंने विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिया है। और हमें भी विश्वास है कि माननीय सांसद जी अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अभी से ही संगठन को मजबूत और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को संगठित करने के लिए आज बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष हाजी जियाउल इस्लाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से लग जाएं। बैठक में पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, कृतिनिधि पांडे, मैना सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विजय बहादुर यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा की जीत होगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। संगठन के बारे में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। मित्रों, जिस प्रकार से आज भोपाल में या मध्य प्रदेश में हल्ला हो रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के आधार पर यह चुनाव जीतना चाहती है, ईवीएम से चुनाव जीतना चाहती है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक रणनीति बनाने की हम लोगों की योजना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का षड्यंत्र कुचक्र इस गोरखपुर में न कर पाए, इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने यह बैठक बुलाई थी। डाक सेवकों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में आज रैली निकालकर रोष जताया। इस दौरान डाक सेवकों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान डाक सेवकों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर मांग के लिए अनेक स्लोगन भी लिखे हुए थे। उनका आरोप था कि डाक सेवकों से प्रतिदिन कठिन परिश्रम लिया जाता है लेकिन सरकार द्वारा इनके वेतन भुगतान में भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है। अन्य विभागों में सातवां वेतनमान लागू हो चुका लेकिन डाक सेवकों को सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा। उनकी मांग थी कि डाक सेवकों को भी सातवां वेतनमान देने के साथ साथ डीए भी दिया जाए। अभी तक सरकार द्वारा डाक सेवकों को केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने CN24 से बातचीत कर अपनी पीड़ा दर्ज कराई।
हमारी प्रमुख मांगे हैं जीडीएस कमेटी की जो रिपोर्ट चंद्रा कमेटी है उसको भारत सरकार द्वारा लागू किया जाए, और जब तक भारत सरकार हमारे कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं करती है तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। चाहे भारत सरकार का कितना भी नुकसान हो हम ताले नहीं खोलेंगे और जीडीएस करके हड़ताल जारी रहेगा। सरकार लागू नहीं कर रही है 29 महीने से अपने पास रखी हुई है, जब तक वह रिपोर्ट लागू नहीं हो जाएगी तब तक ये हड़ताल वापस नहीं होगी। ये हड़ताल 14 तारीख से ही चल रही है और कंटिन्यूस चल रही है, और हम इसको चलाते रहेंगे, जब तक चलाते रहेंगे जब तक कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए शाहीन को दीजिए इजाजत।